नमस्कार दोस्तों, न्यू डन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नए टॉपिक के साथ में स्टार्ट करेंगे सेल कोशिका। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कौन सी? मृत कोशिका थी, मृत कोशिका। और किस में खोजा था? कोरक का छोटा छोटा काट काट कर देखा तो उसमें क्या है, छोटे छोटे प्रकोष्ठ नजर आए, जिनको क्या बोला उसने? सेलुला। तो ये थी रॉबर्ट की मृत कोशिका। उसके बाद में एंटोनी ल्यूवेनहॉक सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा। किसने खोजा? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। तो इसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवित कोशिका को खोजा, जीवाणु, दूसरा जो स्पर्म होते हैं उनकी कोशिका को उन्होंने देखा था। उसके बाद में इसमें ज़्यादा जो साइंटिस्ट के नाम हैं खूब आएंगे, लेकिन अपने जो मैन हैं उनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो जो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुके। ये ध्यान में रखना, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुके। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन सीपी सवान का नाम भी आता है। किसका नाम? सीपी सवान ये होता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी जो आधुनिक कोशिका विज्ञान है उसका जनक कौन होता है? सीपी स्वान होता है। दूसरा फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का पितामह किसको माना गया है? रॉबर्ट हुक को माना गया है। तो ये उसके साइंटिस्ट की बात हुई। उसके बाद में अपन चलते हैं कि स्लीडन और सवाहन का नाम भी आता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लीडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत ये होता है कि एक तो जो कोशिकाएं होती है, नई जो कोशिकाएं होती है वो पहले से विकसित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, दूसरा प्रत्येक जीव की रचनात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। उसके बाद में दूसरी बात ये होती है, प्रत्येक कोशिका में जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ये तीन उसकी सिद्धांत की बातें थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सीपी जो सवान है उसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फिर आता है कि कोशिका में पाए जाने वाले कौन कौन से कोशिकांग हैं, कोशिका की क्या क्या संरचनाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानो ये कोई कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। अब जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वाल पाई जाती है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेल वाल। लेकिन जंतु कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में इसमें अंदर सेंटर में होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जिसकी खोज किसने की थी?
रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब केंद्र के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाहर की तरफ अपन चर्चा करें तो कोशिका द्रव्य के अंदर, ये इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य, क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। एक होता है इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सबसे पहले इसको किसने खोजा था, अल्टमान ने खोजा था। दूसरा, उसका नामकरण किसने किया था, सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, सी बेंडा ने। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। फिर चलते हैं दूसरा कोशिकांग। दूसरा ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। फिर आता है इसके अंदर जालिका नुमी संरचनाएं आती है, जालिका नुमा संरचनाएं आती है। और वो जालिका नुमा संरचनाएं क्या होती है, ई आर भी दो प्रकार की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम यानी अंतः प्रदवी जालिका, अंतः प्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई रफ क्यों हो गई, राइबोसोम, राइबोसोम की वजह से। इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है, राइबोसोम अब्सेंट होता है। ये ध्यान में रखना, ये काम क्या करती है, ये काम यहाँ पर क्या करते हैं, बाहर की तरफ जो भी पदार्थ होता है उसको कोशिका के अंदर लाने व ले जाने का कार्य करती है। दूसरा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण, क्या कार्य करता है, यानी ये प्रोटीन संश्लेषण। दूसरा ये क्या करती है, फैट का संश्लेषण करती है। उसके बाद में एक और आता है, यहाँ पर ऐसे जालीनुमा संरचनाएं और होती है जो इस फेस की होती है, ये होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय। कौन सा काय, गोल्जी काय। किसने खोजा था, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। ये उसकी कौन सी सरफेस है, सी सरफेस होती है। कौन सी सरफेस, सी सरफेस। ये होती है टी सरफेस होती है, सी सरफेस। से इसकी कैसी होती है, अपरिपक्व होती है, अपरिपक्व। दूसरा होता है टी सरफेस होती है, वो होती है परिपक्व यानी मेच्योर। यहाँ पर जैसे ही ये क्या काम करता है, किसी भी पदार्थ का संग्रहण, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आगे की तरफ यहाँ पर ये किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम, किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्या करते हैं, कोशिका के आंतरिक पाचन में हेल्प करते हैं। दूसरा जो लाइसोसोम होता है, इसको इसलिए आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, भूख के समय वहां पर यदि मेटेरियल सब्सटेंस नहीं मिले तो वो क्या करते हैं, कोशिका के पदार्थ को ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा पाचन कर जाती है। तो ये लाइसोसोम को इसलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। ये मेंढक के अंदर जो पूंछ का कायांतरण होता है उस समय भी हेल्प करता है। उसके बाद में आता है राइबोसोम, क्या आता है, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम दो इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। यूकेरियोट के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें दो इकाई कौन सी होती है, 50S होता है, सॉरी 60S, 60,
80 वाले में क्या होता है, एक तो 60 होता है और एक होता है 40s। ये दो इकाइयां होती है जो आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ये दोनों Mg+2 की सांद्रता 0.001। यदि इससे ज्यादा सांद्रता हो जाती है तो दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाती है। काम क्या करता है राइबोसोम? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है। क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका का क्या बोलते हैं, इंजन भी कहा जाता है। कोशिका का इंजन भी कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। और कौन कौन सी संरचनाएं होती है राइबोसोम के ऊपर? बाहर की तरफ कोई प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है राइबोसोम। इसके बाद में और कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदेही जालिका, मेन मेन तो यही है। अब केंद्रक होता है, वो क्या करता है? केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका को कंट्रोल का कार्य करता है। तो डायरेक्टर ऑफ द सेल कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ये पूरी कोशिका का नियंत्रण इसके हाथ में होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये कोशिका की संरचना पढ़ी, तो दो प्रकार की कोशिकाएं आती है। कौन कौन सी कोशिकाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक आता है शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताओ रे कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका है PPLO, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म यानी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या कहलाता है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है रे? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का यानी ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है रे? ये होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, और जंतुओं में भी देखा जाए तो जिराफ की होती है। कितनी लंबी? 15 फीट लंबी होती है, यानी 5 मीटर या 15 फीट लंबी होती है। किसकी? जिराफ की। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका वैसे मैंने सरफेसली बता दिया था, लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि अंतःपरदेवी जो जालिका होती है वह कोशिका द्रव्य में जाल के रूप में पाई जाती है। ये केंद्रक के पास में श्रृंखला में स्थित जालीदार संरचना होती है। केंद्रक के पास श्रृंखला में जालीदार संरचना होती है। कैसी होती है? जालीदार संरचना होती है, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है चिकनी चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका दूसरी होती है, यानी अपन कह सकते हैं रफ रफ यानी खुरदरी
खुर्द रही अंत पदवी जालिका, चिकनी है तो उसके ऊपर राइबोसोम राइबोसोम नहीं होते। यहां पर क्या होता है, राइबोसोम राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वो उस जालिका के ऊपर, जालिका के ऊपर एक प्रोटीन के द्वारा चिपके रहते हैं। ये प्रोटीन के द्वारा आपस में यहाँ पर चिपके रहते हैं। वो प्रोटीन कौन सी होती है, कौन सी प्रोटीन होती है यहाँ पर जिसके द्वारा ये चिपके रहते हैं, वो प्रोटीन होती है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन प्रोटीन। और राइबोसोम की दोनों उपिकाई, ये छोटी ये बड़ी, ये आपस में मैग्नीशियम प्लस टू के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसकी सांद्रता 0.001 से ज़्यादा होती है, आपस में जुड़ जाती है। दूसरा उसके कार्य देखा जाए तो चिकनी अंतःपरदवी जालिका होती है, वो तो क्या करती है, जो वसा होता है उसका संश्लेषण का कार्य करती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। तो ये तो मतलब वसा संश्लेषण क्या करती है, वसा संश्लेषण। और ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण करती है, क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ये हुआ अंतःपरदवी जालिका। अब अंतःपरदवी जालिका के अंदर अपन बात करते हैं, आगे आता है दूसरा, वो आता है गोल्जीकाय। तो गोल्जीकाय के बारे में देखते हैं कि गोल्जीकाय में क्या क्या संरचनाएं होती है, कैसी संरचनाएं होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आता है गोल्जीकाय, गोल्जीकाय मैंने बताया था गोल्जीकाय होता है, उसकी खोज किसने की थी, केमिलो गोल्जी ने की थी, किसने की थी, केमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिका में की थी। दूसरा होता है कि इसका कार्य क्या होता है, मैंने बताया कि ये कोश जो केंद्रक होता है उससे दूर की तरफ ऐसी संरचना में पाया जाता है जिसमें तीन संरचनाएं होती है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और ग्लोब्यूल्स होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ईआर के पास ये संरचना नवनिर्मित प्रोटीन को क्या करती है, स्टोर करती है। ईआर के पास यह नवनिर्मित संरचना प्रोटीन को क्या करती है, स्टोर करती है। प्रोटीन को क्या करती है, स्टोर करती है। फिर पैकेजिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन ईआर के पास ये नवनिर्मित प्रोटीन को स्टोर, पैकेजिंग व ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। कौन, गोल्जीकाय। उसके बाद में इसमें मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर दो सरफेस है, यहाँ जो केंद्रक की तरफ होती है वो तो सी सरफेस, ये होती है टी सरफेस। जो सी सरफेस होती है वो सिस है, टी ट्रांस होती है, ये क्या होती है, मतलब अविकसित यानी नवनिर्मित मान लेते हैं, और ये क्या हो जाती है, विकसित होती है यानी मैच्योर होती है, ई मैच्योर, और ये होती है मैच्योर होती है। यहाँ पर आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ किसका निर्माण हो जाता है, लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जीकाय के द्वारा होता है। तो ये ध्यान में रखना, ये नोट है कि शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक्रोसोम।
और एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। और गोल्जी बॉडी क्या बना देता है लास्ट में, लास्ट में क्या बनाता है यहां पर, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और ये लाइसोसोम जैसे ही स्पर्म अंडाणु के पास में जाता है, जैसे ही स्पर्म अंडाणु के पास में जाता है तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करता है, और ये लाइसोसोम अंडाणु की भित्ति को भेदने में सहायक होता है। अंडाणु की भित्ति को भेदने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका नाम सबसे पहले, इसको खोजा किसने था, अल्टमैन ने खोजा था, अल्टमैन ने खोजा था इसको, अल्टमैन खोजा किसने, अल्टमैन ने। नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया ये नामकरण किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था, सी बेंडा ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उस पर अंगुली नुमा क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं, F1 कण, या क्या कह सकते हैं उसको, सेंट्रो, सेंट्रो ऑक्सीसोम, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीसोम, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीसोम। यहां पर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया चलती है। दूसरा होता है कि यहां पर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर के सारे एंजाइम यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, इसके मैट्रिक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद में यहां पर इसके अंदर खुद का 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और सर्कुलर इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। तो खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए है, तो ये स्व स्व सायत्त यानी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हो जाता है, अपना निर्माण ये खुद कर सकता है, स्व सायत्त ऑर्गन्स अंग कहलाता है, स्व स्व सायत अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्व स्व सायत अंग कहलाता है, स्व सायत अंग कहलाता है। दूसरा होता है कि इसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या है ये एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कोशिका की मुद्रा होती है, कोशिका की मुद्रा होती है ये, जो एनर्जी के रूप में होती है, ऑटोनोमस ऑर्गन हो जाता है, ऑटोनोमस ऑर्गन। ये हुई अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, कोशिका की मुद्रा होती है। दूसरा, इसके जो बाहर जो अंदर वाली झिल्ली होती है उस पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी जो होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, जो ऑक्सीसोम कहलाते हैं। इसमें ईटीएस की क्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद में जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है, मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, उसमें क्रेब्स चक्कर के सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और दूसरा, ये अल्टमैन ने इसको सबसे पहले खोजा था। उसके बाद में
माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सीबेंडा ने दिया था, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लाइसोसोम की। किसकी? लाइसोसोम की। ये लाइसोसोम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लाइसोसोम होता है उसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार क्या करता है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जब इसको कोई मैटर नहीं मिले तो ये क्या करते हैं, खुद कोशिका को ही कई बार पचा जाते हैं। भूख के समय ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, या उसके अंदर मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है मेंढक की पूंछ के अंदर, तब भी ये क्या करते हैं, उसको कैटालाइज कर देते हैं। तो ये सारा काम इसी का होता है। दूसरा लाइसोसोम होता है वो कहाँ पर बनता है? लाइसोसोम होता है गोल्जी बॉडी, जहाँ पर होता है उसका जो इमेच्योर वाला पार्ट होता है, सी भाग जहां पर होता है, यहां पर लाइसोसोम का निर्माण होता है, और इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। बस इतना सा ध्यान में रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेंट्रोसोम। क्या है सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम होता है, ये कोशिका विभाजन जब होता है तो उस समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है, यानी कोशिका कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है, तर्कु तंतु का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम। और ये क्या होता है, छोटी छोटी दो महीन नलिकाएं हो जाती है जो एक दूसरे के लंबवत होती है। दो छोटी नलिकाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है। कैसी होती है? एक दूसरे के लंबवत होती है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि उसका जो, जब क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है, गुणसूत्र को कोशिका के अलग अलग छोर पर ले जाता है। दूसरा जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम शुक्राणु की पूंछ बनाता है, शुक्राणु की पूंछ बनाता है। सेंट्रोसोम का जैसे स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो ट्यूब्यूल्स होती है, वो किस क्रम में व्यवस्थित रहती है? सेंट्रोसोम में ट्यूब्यूल्स किस क्रम में व्यवस्थित रहती है तो ये देखते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दो सेंटर में होती है। तो उस ये आपस में ऐसे कार्ड विहीन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी? कार्ड विहीन स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कार्ड विहीन स्ट्रक्चर होती है, कार्ड विहीन स्ट्रक्चर होती है। और माइक्रोट्यूबुल्स का जो क्रम होता है वो 9+2 होता है। तो सीलिया और फ्लेजिला होती है, उसका बेस बनाने का कार्य भी कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। सीलिया और फ्लेजिला का जो आधार भाग होता है कौन बनाता है? कौन बनाता है? सेंट्रोसोम। और उसमें ट्यूब्यूल्स का जो व्यवस्थित क्रम होता है, 9+2 होता है, 9 तो परिधि की तरफ होता है, 2 सेंटर की तरफ होता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हुआ सेंट्रोसोम। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, कोशिका जो झिल्ली होती है वो तरल मोजेक मॉडल, के द्वारा समझते हैं अपन। ये सबसे मान्य मॉडल होता है, जो किसने दिया था? सिंगर एवं निकोलसन, ने दिया था। सिंगर व निकोलसन, ने दिया था। तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि
जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वह फास्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। और उसमें जो फास्फोलिपिड होती है वह दोहरी परत में व्यवस्थित होता है। कैसे होता है? दोहरी परत में व्यवस्थित होता है। फास्फोलिपिड क्या होता है? दोहरी परत में व्यवस्थित होता है। और प्रोटीन के जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो दो तरीके से व्यवस्थित होते हैं। एक तो क्या होता है, इसके अंदर की तरफ धंसे रहते हैं, एक तो इसके अंदर की तरफ धंसे रहते हैं, और कुछ कण होते हैं जो बाहर की तरफ स्थित होते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ पर ये तो क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या होता है, फास्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड की दोहरी स्तर होती है, और प्रोटीन के कण होते हैं वो इसके अंदर तैरते हुए नजर आते हैं। तरल मोजेक मॉडल, तभी इसको क्या बोला गया, तरल मोजेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। दूसरा जो फॉस्फोलिपिड, यहां पर जो हेड है वो तो है हाइड्रो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही, जल स्नेही। हाइड्रोफिलिक ये तो है जल स्नेही, और ये वाला जो इसका पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक यानी जल जल विरोधी होता है। ये तो क्या करता है, जल पार्टिकल को अपने साथ में अटैच करने का काम करता है, लेकिन ये उसकी पूंछ नहीं करती है। उसके बाद में ये बाहर की जो प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। कौन सी प्रोटीन? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन यानी बाह्य प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रोटीन। दूसरा होता है अंदर वाला, ये होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन जो इसके अंदर कैरियर का काम करती है, पदार्थों के आदान प्रदान में हेल्प करती है। तो ये कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है वो किसने दिया था? सिंगर व निकोलसन ने दिया था। उसके बाद में जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, इसका कार्य क्या है? कार्य है अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, जो क्या करती है, सिलेक्टिव पदार्थों को ही अपने अंदर से जाने देती है। और किस में हेल्प करती है ये, किसके द्वारा? ये इसके अंदर जो क्रिया पाई जाती है वो कौन सी हो जाती है, विसरण या परासरण? तो इसमें होता है परासरण, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर की कोशिका के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। आप दोनों में अंतर समझते हैं? सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं के अंदर। जीवाणु कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जितने भी एनिमल हो जाते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, सब में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। पहले तो अपन बात करें राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है 70S, और यूकैरियोटिक कोशिका में होता है 80S होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यहाँ पर पाया जाता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, पाया जाता है। फिर गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें, गोल्जी बॉडी तो नहीं होता है, पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर अपने जैसे उसकी लेहर यानी केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली भी इसके अंदर नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। फिर बात करते हैं केंद्रिका की, तो केंद्रिका इसमें नहीं होती है, इसमें पाई जाती है।
तो ये ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा उसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में ये तो सारे के सारे इसमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और इसमें क्या आ जाती है, पादप व जंतु कोशिका आ जाती है, पादप व जंतु कोशिका, पादप व जंतु कोशिका इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये उसके डिफरेंस हुए। इसके बाद में अपन देखें तो उसमें विभाजन, जो कोशिका विभाजन होता है उसका भी अंतर होता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन इसमें कैसा होता है, सरल होता है और द्विखंडन विधि द्वारा होता है। और यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। सही बात है एकदम। और ये असूत्री होता है, कैसा होता है, असूत्री होता है। दूसरा यहाँ पर जो सेल वाल होती है वो भी अलग प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर सिर्फ जो सेल वाल होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और क्या अंतर हो सकता है, बस बहुत है। अब पढ़ते हैं अपन सेल के बीच में कई जंक्शन होते हैं उसके बारे में, सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन के बारे में सबसे पहले आता है इसके अंदर कि सेल आपस में कैसे जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। तो इनके बीच में कौन कौन से जंक्शन पाए जाते हैं, तो टाइट जंक्शन आता है, डेस्मोसोम आता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो जंक्शन होता है वो होता है टाइट जंक्शन। कौन सा होता है, टाइट जंक्शन। कौन सा जंक्शन आता है, टाइट जंक्शन आता है, टाइट जंक्शन आता है। तो इसमें तो भाई सेल जंक्शन का मतलब यही होता है, कोशिकाओं का आपस में जुड़ना होता है तथा पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाता है, सेल जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल जंक्शन कहलाता है। अब उसमें जो जोनुला ओक्लूडेंस भी बोलते हैं, टाइट जंक्शन को क्या बोलते हैं, जोनुला ओक्लूडेंस, क्या बोलते हैं, जोनुला ओक्लूडेंस भी बोलते हैं। अब समझते हैं ये किस प्रकार होता है, टाइट जंक्शन कैसे बनता है दो कोशिकाओं के बीच में। तो इसमें क्या होता है, सेल आपस में जुड़कर मजबूत बेल्ट रूपी संरचना बना लेती है। मान लो ये एक कोशिका होती है, ये दूसरी कोशिकाएं होती है, ये आपस में जुड़ जाती है, यहाँ से जुड़कर एक यहाँ पर मजबूत बेल्ट बना लेती है। क्या बना लेती है, मजबूत बेल्ट बना लेती है, और ये क्या कहलाता है, टाइट जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइट जंक्शन। इस प्रकार के जोड़ में बैरियर की तरह काम करती है, यानी ये एक यहाँ से किसी भी प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, तो ये बैरियर बनने की वजह से किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगे, ये जंक्शन ब्लेडर और किडनी के अंदर पाए जाते हैं, ब्लेडर और किडनी में पाए जाते हैं। तो ये है टाइट जंक्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट जंक्शन आता है वो आता है डेस्मोसोम। कौन सा, नंबर दो है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम अब देखते हैं डेस्मोसोम में क्या होता है। जो डेस्मोसोम है मुख्य रूप से उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा ये जो भी होते हैं वो जोड़ सेल के आकार को नियमित रखने का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी उपकला कोशिकाओं में, उपकला कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितनी भी उपकला कोशिकाएं होती है उनमें ये डेस्मोसोम वाला जंक्शन पाया जाता है। दूसरा, ये जोड़ क्या करता है, सेल के आकार को नियंत्रित रखता है, यानी सेल के आकार को नियमित रखता है। सेल का जो आकार है उसको नियमित रखने का कार्य कौन करता है, डेस्मोसोम करता है। और इसके मध्य भाग में जो तत्व है ये दोनों क्या हो जाते हैं, जैसे मान लो ये सेल है और ये जो सेल है, यहाँ दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है वो इस प्रकार का है कि
कि यहां पर क्या हो जाता है, पानी और अन्य पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो मध्य कुछ न कुछ पदार्थ जैसे तत्व पानी आदि का आदान प्रदान यहाँ से हो जाता है, यानी कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में पानी एवं तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है यहाँ से, कुछ मात्रा में पानी हो या तत्वों का यहाँ से आदान प्रदान हो जाता है। और इस प्रकार के जोड़ में क्या पाई जाती है, कैदेरिन, यानी कैदेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर जो जोड़ होता है इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैदेरिन, यानी कैदेरिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रकार के जंक्शन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैदेरिन प्रोटीन पाई जाती है। ये हुआ, अब अपन बात करें कि ये पाया कहाँ पर जाता है, तो इसके एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना है। तो एक तो होता है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होता है स्किन में पाया जाता है, और कहाँ पर पाया जाता है, यूट्रस में पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल अपने को ध्यान में रखना होता है कि डेस्मोसोम कहाँ पर पाया जाता है, स्किन और यूट्रस में पाया जाता है। अब बात करते हैं गैप जंक्शन, गैप जंक्शन कौन सा जंक्शन आता है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर दो कोशिकाएं, ये कोशिका और ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक सुरंग का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, एक सुरंग का निर्माण कर लेती है। ये कौन सा जंक्शन हो जाता है, गैप जंक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में दो सेल के मध्य क्या होता है, सुरंग बन जाती है, और दोनों में अब तत्व और अधिक मात्रा में पदार्थों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सीधी सी बात है, दो सेल्स आपस में जुड़कर एक सुरंग का निर्माण कर लेती है, सुरंग का निर्माण कर लेती है, जिसके माध्यम से पानी एवं तत्वों का आदान प्रदान अधिक मात्रा में होता है। कोई रोक टोक नहीं है, सीधे आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, नर्वस व कार्डियक मसल्स में पाई जाती है। कहाँ पर, नर्वस और कार्डियक मसल्स में। कौन से जंक्शन पाए जाते हैं रे नर्वस और कार्डियक मसल्स में, गैप जंक्शन पाए जाते हैं। कौन से जंक्शन, गैप जंक्शन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेल साइकिल की, किसके बारे में।